हेलो दोस्तों, नमस्कार और सभी को स्वागत करते हैं और एक नया वीडियो में, क्योंकि आज बहुत सारा ऐप्स का अपडेट मिल चुका है, जो इसलिए मैं सोचा हूँ जो कि उन आप लोगों को सर्विस बता दिया जाए। जो जो आज ऐप्स का अपडेट मिला है वो बहुत ही चेंजेस लेकर आया, बहुत ही नया नया फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं एक ऐप्स के बारे में बोलने वाला हूँ जिसमें आपको पार्ट डे कुछ रुपया भी मिलने वाला है, वो है पेटीएम ऐप्स। उसमें बहुत बड़े चेंजेस लेके आया है, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो भी ऐप्स हैं, जिसका जितना भी फीचर्स आया है, हर एक फीचर्स आप नहीं जानते होंगे तो फीचर अगर जान लेंगे तो आपको मोबाइल इस्तेमाल करना बहुत ही इजी होगा। तो चलिए देख लेते हैं जो कौन सा ऐप्स को हम लोगों को अपडेट मिल चुका है। तो मैं पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। और मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग थ्री डॉट में जाना है, और थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद माई ऐप्स एंड गेम्स में जब भी आ जाता हूँ तो मैं बहुत सारे ऐप्स को अपडेट मिल चुका है वो देख सकते हैं। जो आज ही मेरे को जो अपडेट मिला है, जो जी बोर्ड का तरफ से, वेदर बाय साउमी, एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट्स, एमआई वीडियो, व्हाट्सअप, ये सर्विस को अपडेट मिला है। और साथ ही साथ बोल दूँ जो पेटीएम ऐप्स का भी अपडेट मिला है, लेकिन इस जगह से नहीं देखा सकता, वो गेट ऐप से आप लोग देख पाएगा। और जो पेटीएम ऐप्स का भी अपडेट मिल गया है, वो जैसे मैं ऐप अपडेट में क्लिक करता हूँ और अपडेट हिस्ट्री में क्लिक करता हूँ, देख सकते जो पेटीएम का भी एक ओपन हो गया, लेकिन इसमें कुछ बता नहीं गया जो क्या क्या वो फीचर्स दिया गया है। तो चलिए साथ ही साथ और बोलना चाहता हूँ जो प्ले स्टोर पर भी कुछ फीचर्स आपको दिया गया है। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ जो पेटीएम का तरफ से क्या ऑफर है और क्या क्या नया अपडेट मिला है। तो मैं पहले पेटीएम को ओपन कर लिया हूँ। पेटीएम को ओपन करने के बाद आप लोग देख पाएंगे जो उसकी इंटरफेस पूरा तरीके से चेंज हो गया। तो देख सकते हैं जो पेटीएम का इंटरफेस है पूरा तरीके से चेंज हो गया, और साथ ही साथ इस जगह में सर्च का कोना में देख सकते हैं प्लस का आइकॉन दिया गया। इसका मतलब जो आपको जितना भी ब्राउज़र कर रहा है उसका जो क्लियर डाटा है उससे क्लियर कर सकते हैं। जैसे क्लिक कर देता हूँ तो वो क्रॉस हो जाता है, तो मतलब क्लियर हो जाता है। ये बहुत ही कमाल का फीचर दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों को बोलना चाहता हूँ जो इस समय देख सकते हैं इंडिया फाइट्स कोरोना लेके लेके तीन अपडेट दिया है। और साथ ही साथ और बहुत ही बड़ी चेंजेस लेके हैं जो बैंक में, जैसे मैं बैंक में क्लिक करता हूँ तो फिंगरप्रिंट पहले से था, अगर आप लोग काम नहीं करता तो ज़रूर काम करेगा अभी से। ये हो गया, जैसे ओपन कर देता हूँ तो इस जगह से एक नया अपडेट है जो न्यू रिसीव गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्टली इन योर सेविंग बैंक अकाउंट। ये क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी एक ऑप्शन दे दिया। जो सरकार के तरफ से जो भी पैसा आपको मिलता है वो शायद अभी आपको पेटीएम बैंक से भी रिसीव कर सकते हैं। देख सकते दो ऑप्शन दिया गया, आप चूज करके सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी दे दिया है। साथ ही साथ और एक भी बहुत फीचर दिया है जो लिमिट योर ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट। आप अपने हिसाब से इस जगह में देख सकते हैं फीचर्स को ऐड या बड़ा कमा के ऐड करा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी फीचर्स दिया है, मेरा उम्मीद से लगते हैं बहुत ही बड़ी फीचर्स हैं। और साथ ही साथ मैं इस जगह होम में क्लिक कर देता हूँ। होम में क्लिक करने के बाद मैं लॉग आउट में चला जाता हूँ। जाने के बाद आप लोगों को दिखा दूँ जो क्या क्या ऑफर अभी चल रहा है। जी दोस्तों, कमाल का ऑफर चल रहा है, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही कमाल का ऑफर है। जो कैशबैक एंड ऑफर में जाएंगे तो देख सकते हैं मेरे को कितना मिल गया रुपया। देख सकते हैं 4 रुपया, 5 रुपया, 37 रुपया, 3 रुपया पार्ट डे मेरे को मिलता है। कैसे मिलता है, लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मिनिमम 100 रुपया अपना खुद का बैंक अकाउंट में ही सेंड कर दो, या मान लो पेटीएम बैंक अकाउंट से आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट SBI उसमें सेंड कर दो, या क्या होता है वो SBI से पेटीएम में सेंड कर दो, तो पार्ट डे में आपको 2 स्क्रैच कार्ड मिलेगा। हो सकता है एक में 3 रुपये मिल जाए, एक में 37 रुपये मिल जाए, या 4 रुपये मिल जाए, 5 रुपये मिल जाए। ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है, तो जरूर इसको इस्तेमाल करना, बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। पार्ट डे 2 स्क्रैच कार्ड आपको मिलेगा। थैंक यू। और चलिए दूसरा चला जाता है जो दूसरा दूसरा ऐप्स को क्या क्या मिला है। तो मैं अभी ओपन कर लूँ जो वेदर ऐप्स को, और जैसे मैं वेदर ऐप्स को ओपन कर लेता हूँ और देख सकता जो इसको वेदर ऐप्स ओपन कर लिया हूँ। और ओपन करने के बाद जो क्या क्या अपडेट मिला है आप लोग देख पा रहे हैं, जो इतना चेंजेस तो नहीं लेकर आया, लेकिन इसका इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मेरे को लग रहा है। और साथ ही साथ देख सकते जैसे ही मैं इस जगह में स्क्रॉल करके ऊपर में उठाता हूँ, ऊपर उठाने के बाद वेदर फॉरकास्ट बोल के ऑप्शन आ गया। इस जगह क्या होगा, जो आप अभी वेदर देखने के लिए आप डायरेक्ट वीडियो आपको दिखाई जाएगा, जैसे मैं इसमें क्लिक कर दूंगा तो आपको EMI वीडियो में लेके जाएगा डायरेक्ट। और देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आ गया, तो EMI वीडियो में आ गया, तो इधर प्ले लिस्ट जगह में वीडियो भी हाय दिस इज अंकिता, ये वीडियो चालू हो जाएगा, तो इस जगह से आपको पूरा उस दिन का डाटा पता चल जाएगा जो आज का मौसम कैसे होने वाला है। ये बहुत ही कमाल का फीचर्स दिया है, और इस जगह में उतना चेंजेस तो नहीं लेकर आया। तो चलिए चला जाते हैं जो पहला चेंजेस के, तो EMI वीडियो का तरफ। जैसे मैं EMI वीडियो को ओपन कर लूँ, देख सकते हैं EMI का वीडियो का जो इंटरफेस था ऐसा ही है, और लेकिन इस दिन जो चेंजेस किया गया है वो है जो होम पेज में देख सकते हैं जो एक गेम का ऑप्शन दिया गया है।
ये नया फीचर्स ऐड किया है गेम का फीचर, जो इस जगह से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं। ये एक नया फीचर दिया है। और साथ ही साथ आपको बोलूँ तो इस जगह में और चेंजेस बोल के, जो प्रोफाइल में जाएंगे तो प्रोफाइल में जाने के बाद इसका थोड़ा सा इंटरफेस लग रहा है जो चेंज हुआ है। और इस जगह सब्सक्रिप्शन बटन का एक ऑप्शन दिया है, जो सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ आपको इस जगह में नया फीचर्स सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद जो ऑनलाइन रिकमेंडेशन एंड पर्सनल रिकमेंडेशन जैसे 19 डेज 19 डेज, ये नया फीचर्स आया है। और साथ ही साथ बोलना चाहते हो अभी तक डार्क मोड अच्छे से काम नहीं कर रहा है और पता नहीं किस वजह से काम नहीं कर रहा है। यही जगह ये फीचर था और कुछ फीचर नहीं है। तो चलिए मैं चला जाता हूँ और प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आने के बाद दिखा देता हूँ जो क्या क्या आपको नया अपडेट मिला है। और जैसे मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लिया हूँ तो ओपन करने के बाद 3 डॉट में क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे जो इंस्टॉल लाइब्रेरी बीटा, ये स्टोरेज बोल का ऑप्शन दिया गया, रिव्यू बोल के दो ऑप्शन दिया गया। ये स्टोरेज में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इस जगह से फ्री फेस कर सकता है। मतलब क्या होता है ना, जो आपको पहले आपको मेमोरी जाना पड़ता है उसका डिलीट करना पड़ता है, तो इसी जगह से आप किसी भी ऐप्स को डिलीट भी करा सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर दिया है। और साथ ही साथ इस जगह में रिव्यू, रिव्यू मतलब कोई भी ऐप्स को अभी तक वो फीडबैक नहीं दिया तो इस जगह आप आसानी से फीडबैक दे सकते हैं। जो कौन सा ऐप्स को अभी तक फीडबैक नहीं दिया तो ये भी आप इस जगह डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से लगता है बहुत ही बड़ी कमाल का फीचर्स है दिया है, और शायद आप लोगों को आज तक पता नहीं था इस फीचर्स के बारे में। ज़रूर इस फीचर्स को ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करना, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कमेंट कर देना। अगर मेरा चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो के, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।